जींद हिसार के इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने रोहतक के कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला पर बोले गए हमले को बुधवार को जींद में जवाब देते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा इस तरह के बयान अपने पिता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के जेल जाने की संभावना से पैदा हुई घबराहट में दे रहे हैं। बुधवार को जींद में सफीदो इनेलो हलका प्रधान सुभाष देशवाल के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। हुड्डा ने सीएम रहते प्रदेश में जिस तरह की लूट मचाई थी, अब उसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने इनेलो बसपा गठबंधन को लेकर कहा कि यह कमेरे और किसान के बीच का गठबंधन है। बसपा सुप्रीमो मायावती और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने इस तरह का गठबंधन कर 1979 के लोकसभा चुनाव के इतिहास को दोहराने की नींव रखी है। यह गठबंधन देश और प्रदेश में बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनेगा। इस गठबंधन को लेकर विरोधी दल जिस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वह गठबंधन से इस दलों की घबराहट को ही उजागर कर रहा है। जींद के स्वच्छ भारत मिशन में 32 लाख के वॉल राइटिंग घोटाले को लेकर सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। भाजपा के राज में हर जगह घोटाले हो रहे हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन पद्मा सिंगला और उनके पति विनोद सिंगला के भाजपा छोड़ इंदौर में शामिल होने पर सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इससे इनेलो को मजबूती मिलेगी। जल्द हरियाणा में 22 जिला परिषद के चेयरमैन इनेलो में शामिल होंगे। इस मौके पर उनके साथ इनेलो के जिला प्रधान कृष्ण राठी, विधायक परमेंद्र सिंह ढूल, हलका प्रधान सुभाष देशवाल, कृष्ण मीढ़ा, जिला प्रेस प्रवक्ता कृष्ण ढांडा, सतीश पिंडारा, हरीश अरोड़ा, कैप्टन रणधीर चहल, हैप्पी कुंडू, सोनू गुलिया, जिला पार्टी कार्यालय प्रभारी गुरदीप सांगवान आदि मौजूद रहे। जींद से ऋषि मेहंदीरत्ता, आजाद टीवी न्यूज। जहाँ आज भाई बहन की जोड़ी है, वहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती जी एक होकर जो इस मुहिम को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दोबारा 89 वाला इतिहास इस देश के अंदर रचने का काम कर। विपक्ष घबराया हुआ है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी लोग हैं उनके मन में यही संशय है कि ये फैसला हुआ कैसे। आज उनका जनाधार पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुका है। जो लोग हमें समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे थे, ये गठबंधन कहीं ना कहीं उन लोगों को एक कड़ा जवाब है। अगर तीन बार रहे हुए सांसद की ऐसे वर्डिंग है तो मुझे लगता है उनको सबूत लाने चाहिए। और आज सुलझा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो अपने आप में जनता उसको भी देखती है। वो तो घबराहट इसलिए है कि उनके पिताजी जेल जाते दिख रहे थे और जिस प्रकार से अलग अलग मामलों में चार्जशीटिंग शुरू हो रही है, सीबीआई की रेड्स हुई है, ये आज पक्का हो चुका। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश को लूट खाने का काम किया था, आज कहीं ना कहीं कानून उस चीज़ को पूरी तौर पर समझकर उनको भी सलाखों के पीछे जल्द भेजने का काम होगा। अच्छी की बात है, एक ही नहीं अनेकों लोग आए हैं। और आज अगर सिटिंग जिला परिषद के चेयरमैन इंडियन नेशनल लोकदल में आस्था जता रहे हैं, छोटी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, तो आप ये मानकर चलो ये शुरुआत है। फतेहबाद से ये शुरुआत हुई, आज जींद है और आने वाले समय में सभी 22 जिलों के जो चेयरमैन हैं वो आपको इंडियन नेशनल लोकदल में देंगे।